शहर में लॉकडाउन के चलते बीफ शॉप पर गोश्त की कीमतों में मनमानी इजाफा। टीएनएसएफ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूसुफ बिन अबूद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शहर के मरकजी इलाका अहमदपुरा कॉलोनी D54 किनाल के करीब वाक़ गोश्त की दुकानों पर मनमानी इजाफे से इलाके की अवाम परेशान है। लॉकडाउन से कबल गोश्त की कीमत जो कि 200 रुपये किलो थी, अब लॉकडाउन के बाद कीमतों में मनमानी इजाफा किया जा रहा है और अब फी किलो गोश्त की कीमत 300 से 400 रुपये बताए जाने की बात कही और मजीद बताया कि किराना स्टोर वाले भी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों को मनमानी कीमतों पर फरोख्त कर रहे हैं। यूसुफ बिन अबूद ने ज़िला कलेक्टर और बल्दिया कमिश्नर से अपील की कि वो इस तरफ का दौरा करते हुए इन दुकानदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं यूसुफ बिन अबूद, TNSF डिस्ट्रिक्ट प्रेजिडेंट, अहमदपुरा कॉलोनी में D54 किनाल के पास क्रोशी ब्रदर कुछ एक महीने भर से लॉकडाउन के टाइम से खाली आम दिनों पे 200 रुपये किलो गोश्त दिया जाता है। अब लॉकडाउन की वजह से 300 रुपये किलो दिया जा रहा है। गरीब आवाम को दुनिया की तकलीफ़ का सामना करना पड़ रहा है, दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन होने की वजह से अहमदपुरा कॉलोनी में अच्छे लोग तो खैर वो खाली हैं, ले लेके 300 रुपये किलो D54 किनाल के पास नहर कट्टे के पास गरीब आवाम है, उन लोग सलम एरिया है। किराना शॉप वाले मनमाने लूट रहे, किराना शॉप वाले भी जिसकी कोई इंतहा नहीं है, यहाँ कोई ऑफिसरों का विजिट नहीं है, लिहाजा हमारे किराना शॉप वाले मनमाने पैसे ले रहे हैं। यहाँ किराना शॉप और खुरोशी ब्रदर मनमाने लूट रहे हैं, यहाँ कोई गरीब आवाम के तरफ देखने वाला नहीं है, कोई ऑफिसर की विजिट नहीं है। यहाँ आकर यहाँ मेरी कलेक्टर साहब से और कमिश्नर साहब, बल्दिया कमिश्नर साहब से और MHO सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये D54 किनाल अहमदपुरा कॉलोनी के पास विजिट करके, नसीर चौरस्ता यहाँ पर विजिट करके, अहमदपुरा कॉलोनी में विजिट करके इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और इनके ऊपर केसेस बुक करें और इनके ऊपर पेनाल्टी डाला जाए ताकि गरीब आवाम को सहूलत पहुँचे। ये बहुत ओवर कर दे रहे हैं इन लोगों का। एक बार मेरे कलेक्टर साहब से और एक बार अदब गुजारिश है कि ये एरिया में विजिट करें।